फ्रेंड्स, रविताज क्रिएशंस में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको आप बेबी स्वेटर, जेंट स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, किसी पर भी आप इसे डाल सकते हैं। स्कार्फ में भी ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये आपके 3 के मल्टीपल फंदे आएंगे और 2+। फर्स्ट फंदा हम ऐसे ही लेंगे, ये देखिए। उसके बाद ये एक फंदा मैंने यहाँ, ये 2 फंदे मैंने स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, तो एक फंदा ये उल्टा लिया। उसके बाद 1, 2, 3, ये 3 फंदे हम, ये देखिए। उसके बाद ये पूरी रो हम सीधी सीधी बनाएंगे। फर्स्ट रो है सीधी साइड, पूरी रो हमने सीधी बनानी है। ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ जैसे मैंने नीचे से स्टार्ट किया है। आप इसको इसी तरीके से अपने पैटर्न पर बनाएंगे जो भी आप बनाना चाहते हैं। ये पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी उतारनी है इस तरह से। फर्स्ट रो सीधी साइड, थ्री के मल्टीपल फंदे लेंगे और 2 फंदे एक्स्ट्रा ले लेंगे दोनों साइडों के लिए। देखिए, फर्स्ट रो सीधी साइड कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो उल्टी साइड, फर्स्ट फंदा ऐसे ही लूँगी। उसके बाद ये पूरी सिलाई हमने जो है उल्टी उल्टी बना करके उतार लेनी है। ये देखिए, सेकंड रो उल्टी साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी सीधी साइड थर्ड रो पर आते हैं। ये फंदा मैं ऐसे ही लूँगी। उसके बाद एक फंदा मैंने ये साइड में एक्स्ट्रा लिया हुआ है। मैंने 2 फंदे इधर उधर एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, ये देखिए। ये थर्ड रो है अपनी, धागा पीछे करेंगे। 1, 2, 3, ये देखिए, 1, 2, 3। तीसरे फंदे में से फंदा निकालेंगे ऐसे। ये तीसरे फंदे के अंदर से, ये देखिए, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तीसरे फंदे के अंदर से फंदा लाना है हमने इस तरह से। ऐसे थोड़ा लूज़ करेंगे इस तरह से, फिर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1, 2। अब इसमें से हमने फंदा निकाल लिया था तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। अब फिर से ऐसे ही करना है। 1, 2, 3, तीसरे फंदे के बीच में से, ये तीसरे फंदे में से फंदा लेना है इस तरह से। ऐसे लिया, लूज़ किया, फिर फर्स्ट फंदा बना लेंगे। उसके बाद सेकंड, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसमें से हमने पहले फंदा ले लिया था। अब तीसरा फंदा, तीसरे फंदे के बीच में से फंदा लाएंगे इस तरह से, लूज करेंगे थोड़ा सा लूज, और उसके बाद फर्स्ट फंदा और सेकंड फंदा बना लेंगे और इसको निकाल देंगे। फिर से हमने ऐसे ही करना है। तीसरे फंदे में से इस तरह से फंदा लेंगे और फिर फर्स्ट फंदा बनाएंगे, फिर सेकंड बनाएंगे, छोड़ देंगे। अब फिर से तीसरे फंदे के बीच में से लेना है, फर्स्ट बनाएंगे फंदा, फिर सेकंड बनाएंगे, छोड़ देंगे। फिर से हमने, यानी कि हमने फर्स्ट फंदा बनाने के बजाय थर्ड फंदे में से फंदा बनाना है इस तरह से, और उसके बाद फिर फर्स्ट,
और सेकंड बनाना है और इसको इस तरह से छोड़ देंगे। फिर थर्ड फंदा बनाएंगे इस तरह से, पहले थर्ड फंदा बनाना है, फिर फर्स्ट बनाना है और फिर सेकंड बनाना है और फिर इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर से थर्ड फंदा बनाएंगे, पूरी रो इसी तरह से अपनी कंप्लीट होती जाएगी। ये देखिए, और फिर सेकंड, उसके बाद फिर से तीसरे फंदे में से इस तरह से लेना है फंदा। ये देखिए, तीसरे फंदे में से फंदा लिया और फिर फर्स्ट बनाया, फिर सेकंड बनाया और इसको छोड़ दिया। अब ये मेरे दो फंदे एक्स्ट्रा हैं। अब उल्टी सिलाई, फोर्थ रो उल्टी सिलाई। ये देखिए, फोर्थ रो उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए, इस सिलाई हमने अपनी पूरी उल्टी उतार लेनी है। ये देखिए, पूरी सिलाई हम अपनी ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाएंगे। चार सिलाइयों का ये हमारा डिज़ाइन है। देखिए, लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। अब फिर से हमने अपनी एक सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई, दो अपनी ये बनानी है, पहले सीधी सिलाई फिर उल्टी सिलाई, फिर तीसरी सिलाई में ये वाला डिज़ाइन हमारा बनेगा इस तरह से। ये देखिए, और पूरा अपने पैटर्न पर आप इसको इस तरह से बनाते चले जाएंगे। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। ये देखिए, ये इसकी उल्टी साइड है, देखिए रॉन्ग साइड, ये राइट साइड। ये आपके पैटर्न पर इसी तरीके से बनता चला जाएगा डिज़ाइन। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, रविताज क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको आप किसी भी कार्डिगन, जैकेट, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, किसी पर भी आप इसको डाल सकते हैं। ये 5 के मल्टीपल फंदे लेंगे आप और 2 फंदे प्लस लेंगे। ये मैंने 27 फंदे लिए हुए हैं। ये देखिए, 27 फंदे लिए हुए हैं। सीधी साइड है फर्स्ट रो। क्या करना है, सबसे पहले ये फंदा मैं ऐसे ही लूँगी, उसके बाद एक फंदा उल्टा लेंगे। देखिए, एक फंदा उल्टा बनाया, उसके बाद तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो। धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। इसी तरीके से ये तीन फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे करके पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए ये लास्ट में दो फंदे उल्टे। अब क्या करना है, सेकंड रो है ये देखिए, ये सेकंड रो है उल्टी साइड। अब इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदा मैं ऐसे ही लूँगी, उसके बाद ये जो इधर उल्टा था वो इधर सीधे हो जाएंगे, और जो सीधे फंदे थे इधर वो इधर उल्टे हो जाएंगे। अब ये वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, एक धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे, दो फंदे सीधे। इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो है ये अपनी, एक दो तीन। लास्ट के दो फंदे सीधे। अब धागा अपनी साइड, फिर से ये फंदा बिना बिने, और एक ये उल्टा फंदा। अब ये देखिएगा क्या करना है, ये उल्टा फंदा ऐसे ही उल्टा बनाएंगे, और ये धागा हम ऐसे ही रखेंगे अपनी साइड, और आगे के ये तीन फंदे इकट्ठे इस तरह से लेंगे, एक दो तीन, इनको ऐसे लिया, ऐसे एक बार फंदा निकाला, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे लाएंगे, फिर एक बार फिर से उल्टे में से इस तरह से फंदा निकालेंगे। तीन फंदे हो गए तीन के, अब इनको छोड़ देंगे। फिर हम अपने दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो। अब फिर से ये देखिए तीन फंदे लेंगे इस तरह से, तीन फंदों में से तीन फंदे बनाएंगे इस तरह से, एक फंदा निकाला, धागा सिलाई पर से ऐसे लिया, फिर तीसरा फंदा इस तरह से निकाल लिया और इसको ऐसे छोड़ दिया, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो। ये देखिए तीन फंदों का, तीन फंदों में से एक फंदा निकाला, ये देखिए एक दो तीन, एक निकल गया, फिर धागा ऐसे लिया सिलाई पर से, फिर दूसरा फंदा, ये देखिए तीन फंदे हो गए हैं, फिर दो फंदे उल्टे, फिर से आगे के तीन फंदे इस तरह से, पूरी रो इसी तरीके से हम अपनी कंप्लीट करेंगे। फंदा निकाला, धागा सिलाई पर से ऐसे लिया, और एक बार फिर से निकाल लिया, ये तीन के तीन फंदे हमने बना लिए। अब दो फंदे जो हैं उल्टे बनाएंगे, एक दो। अब ये तीन फंदों में से तीन फंदे बनाने हैं, एक बन गया, धागा सिलाई पर से इस तरह से लिया, दो बन गए, और एक ये तीन। अब लास्ट के दो फंदे इस तरह से उल्टे। अब उल्टी सिलाई हमारी पूरी ऐसे ही आएगी उल्टी, जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी। ये फोर्थ रो है उल्टी साइड, ये देखिए दो फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे। उल्टी सिलाई हमारी हर बार इसी तरीके से आएगी जैसे मैं बना रही हूँ। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई में दो फंदे ये हमारे जो हैं सीधे आएंगे, और तीन फंदे हमारे उल्टे आएंगे। अब आगे के दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, ये फोर्थ रो है अपने, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे। इसी तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी।
अब ये देखिए फिर से हमारी ये सीधी साइड आ गई है। सीधी साइड फिर से अब हमने ऐसे ही बनानी है। दो फंदे हम ये स्टार्टिंग के उल्टे लेंगे, उसके बाद तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे लेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही आप इसको बनाएंगे और ये आपके पैटर्न पर इस तरीके से डिज़ाइन बनता चला जाएगा। ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन है। ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से ये इस तरह से दिखेगा, ये देखिए, और ये सीधी साइड है। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।